हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर फेडरलिज्म, पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 10 से। चैप्टर की शुरुआत उसके ओवरव्यू से है। हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने ये देखा कि जो वर्टिकल डिवीजन है पावर का अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट के, वो सबसे मेजर फॉर्म माना जाता है पावर शेयरिंग का मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर। हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम इसी फॉर्म पर जो है पावर शेयरिंग की फोकस करेंगे। इसको जो है हम कॉमनली फेडरलिज्म के नाम से रेफर करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फेडरलिज्म जो है जनरल टर्म में मतलब क्या होता है इसका। बाकी पूरे चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म की क्या थ्योरी है और उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। एक डिस्कशन होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे पॉलिसीज जो भी है उनकी, साथ ही साथ पॉलिटिक्स की, जिसने जो है फेडरलिज्म को प्रैक्टिकली काफी मजबूत किया है। चैप्टर के एंड में हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो कि एक नया और थर्ड टियर माना जाता है इंडियन फेडरलिज्म का। तो शुरू करते हैं कि पहले फेडरलिज्म क्या होता है। अगर हम अपना पिछले चैप्टर की बात करें तो जो हमने कंट्रास्ट देखा बेल्जियम और श्रीलंका में, उसमें हमें क्या समझ में आया कि जो सबसे बड़ा की चेंज था कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम के, वो ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसको रिड्यूस किया जाए और उन पावर्स को जो है रीजनल गवर्नमेंट्स को दिया जाए। रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं बेल्जियम के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, उनके अपने रोल थे, अपनी पावर्स थी। पर अगर सारी की सारी पावर्स जो हैं वो इन गवर्नमेंट को दे दी जाए तो, और विड्रॉ कर ली जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जो चेंज हुआ 1993 में वो ये था कि रीजनल गवर्नमेंट्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई थी, जो कि अब बिल्कुल भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं थे। इससे बेल्जियम ने क्या किया, यूनिटरी से फेडरल गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसको अपना लिया। श्रीलंका ने भी जो है सारे प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया, जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। तमिल लीडर्स चाहते थे कि जो श्रीलंका है वो जो है एक फेडरल सिस्टम को अपना ले। तो अब ये समझ में आता है कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर जो पावर है वो डिवाइड करी जाती है सेंट्रल अथॉरिटी और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं कंट्री के, उनके बीच में। फेडरेशन जो है उसके दो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक वो होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री के लिए होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट में आते हैं। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल लेवल पे, यानी जो स्टेट लेवल पे होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं जो उनके स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है रोज के, उनकी तरफ ध्यान देती हैं। ये जो दोनों लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनके पास अपनी पावर्स हैं और दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इस तरह से देखा जाए तो जो फेडरेशंस होते हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है उसके अंदर खाली एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, या जो सब यूनिट्स होते हैं वो सब ऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास करती है प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम ये कुछ करो। सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी अपनी खुद की पावर्स होती हैं और उसके लिए उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। दोनों ही गवर्नमेंट जो हैं वो पूरी तरह से सेपरेट हैं और उनकी जवाबदेही पब्लिक के लिए है। अब हम देखते हैं कि की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के। दो या दो से ज़्यादा लेवल्स यानी टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के। अलग अलग टीयर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो सेम सिटीजन्स को रूल करते हैं, लेकिन हर टीयर का अपना एक दायरा होता है, खास तौर से जो मैटर्स होते हैं लेजिस्लेशन के, टैक्सेशन के या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के। जो ज्यूरिसडिक्शन होता है लेवल्स जो हैं या टीयर्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो स्पेसिफाई करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जो भी एग्जिस्टेंस कहा जाए, जो भी अथॉरिटी कही जाए हर एक टीयर की गवर्नमेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पर गारंटीड है। फंडामेंटल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको जो है यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे जो चेंजेस हैं उसके लिए दोनों ही जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी सहमति की जरूरत है। कोर्ट जो है उनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या कर सकते हैं, या जो पावर्स हैं अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट की उनकी,
जो हाईएस्ट कोर्ट है वो एक तरह से एम्पायर का काम करता है। अगर बाई चांस डिस्प्यूट हो जाता है अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट के, अगर उनकी अपनी जो पावर है उनको इस्तेमाल करने में बाई चांस डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई मतभेद होता है, तो जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो एम्पायर का काम करता है, यानी डिसीजन फिर वो देता है। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हर एक लेवल पे गवर्नमेंट के, वो बिल्कुल क्लियरली तौर पे स्पेसिफाई किया गया है ताकि उसकी जो अपनी एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बनी रहे। फेडरल सिस्टम के 12 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो है सेफगार्ड करना, प्रमोट करना अपनी कंट्री की यूनिटी को, और साथ साथ एकोमोडेट भी करना जो क्षेत्रीय तौर पे इतनी डाइवर्सिटी है उसको। दो एस्पेक्ट्स जो पहलू हैं वो काफी क्रूशियल हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए और प्रैक्टिस के लिए फेडरलिज्म। गवर्नमेंट जो अलग अलग लेवल्स पे है उसको एग्री करना पड़ेगा। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो पावर शेयरिंग के, उसके लिए गवर्नमेंट को हर एक अलग अलग लेवल की जो है उसके लिए एग्री करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक विश्वास होना चाहिए हर कोई जो है इस एग्रीमेंट पे जो उसका जो एक पार्ट है उसको पूरी तरह से फॉलो करेगा। एक आइडियल फेडरल सिस्टम जो है उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है आपसी विश्वास और एक होता है सहमति, एग्रीमेंट के हम साथ में रहेंगे। जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में काफी डिफर होता है। ये जो बैलेंस है ये निर्भर करता है मेनली कैसा जो है हमारा ऐतिहासिक संदर्भ रहा है उसके अंदर ये जिस तरह से फेडरेशन बनी होगी उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। दो तरह के रूट्स हैं जिससे ये फेडरेशन बनती है। फर्स्ट रूट जो होता है उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं उनका साथ में आना अपने खुद की मर्जी से और एक बड़ा सा यूनिट बनाना, मतलब यह हुआ कि पूलिंग करनी सोवरेनिटी को और अपनी जो पहचान है उसको बरकरार रखना ताकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाए। इस तरह का साथ में आना जो फेडरेशन होते हैं उसके अंदर आते हैं आपके यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जो पहली कैटेगरी है फेडरेशन की, सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उनकी बराबर की पावर होती है और एक तरह से सब स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, तो ये जो है फेडरल गवर्नमेंट काफी अच्छी होती है। सेकेंड रूप जो है वो है कि जहाँ एक बहुत बड़ी कंट्री ये डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर देगी। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब इसी तरीके की होल्डिंग टुगेदर वाली फेडरेशन है। एक है कमिंग टुगेदर, दूसरी है होल्डिंग टुगेदर। अब ये जो सेकेंड कैटेगरी है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट्स के मुकाबले। कई बार होता है जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं फेडरेशन के उनकी पावर्स भी समान नहीं होती और कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनको खास पावर्स दी जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमने ये पहले देखा कि कैसे जो छोटी कंट्रीज थी बेल्जियम और श्रीलंका के जैसी, उन्होंने कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करी इट्स मैनेजिंग जो डाइवर्सिटी है इसको मैनेज करने में। अब अपनी जो इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया जैसी, जिसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, धर्म है, क्षेत्र है, वो कैसे मैनेज करें? तो क्या ऐसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जिससे सब चीजें मैनेज होती हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर उभर कर आया जब उसने एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए खून खराबे वाला पार्टीशन देखा। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो हमारी कंट्री का हिस्सा बन गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर कर लिया कि वो जो है एक यूनियन है स्टेट्स का। उसने जो है फेडरेशन वर्ड नहीं यूज किया। इंडियन यूनियन जो है ये पूरी तरह से आधारित था प्रिंसिपल पे फेडरलिज्म के। अगर अब हम 7 फीचर्स जो हमने फेडरलिज्म के अभी पहले पढ़े उसमें देखें तो हम ये देख सकते हैं कि सारे के सारे फीचर्स अप्लाई होते हैं जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उनके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिनल तौर पे प्रोवाइड करता है 2-tier सिस्टम जो गवर्नमेंट का है, यूनियन गवर्नमेंट या फिर हम जो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर आया 3rd-tier फेडरलिज्म का जो कि ऐड किया गया पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की फॉर्म में। जैसे कि किसी भी फेडरेशन में ये जो अलग अलग टीयर्स हैं ये सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन को एंजॉय करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली जो है प्रोवाइड करता है 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर्स का यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, इसलिए इसके अंदर 3 लिस्ट होती है। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो है सब्जेक्ट्स आते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हो गया,
बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब इस लिस्ट में इसलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि हमें एक नीति ऐसी बनानी होती है इन मैटर्स पर जो पूरी कंट्री में लागू हो। यूनियन गवर्नमेंट अकेले लॉस बना सकता है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। स्टेट लिस्ट में जो है सब्जेक्ट्स आते हैं स्टेट या लोकल इम्पोर्टेंस की, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट्स के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब जो है इसमें आते हैं। दोनों ही यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लॉज बना सकती हैं जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं लिस्ट में उनके ऊपर। अगर बाई चांस उनके लॉज जो है एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो जो लॉज यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है वो चलेगी। अब कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन कैटेगरी में या इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, या वो सब्जेक्ट्स जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना, या फिर हमारे संविधान के अनुसार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो जो है लेजिस्लेट कर सकती है जो रेजिडियरी सब्जेक्ट्स हैं उनको। तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो फेडरेशंस हैं जो कि फॉर्म करी गई हैं होल्डिंग टुगेदर वैल्यूज से, वो जो है इक्वल पावर्स नहीं देती है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को। इसलिए जितने भी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन में उनकी सबकी सेम पावर्स नहीं है। कुछ स्टेट्स जो है उनको खास दर्जा मिलता है, जैसे स्टेट्स हो गए असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं। कुछ खास प्रावधान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 371 में, क्योंकि इनका जो सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हैं वो उनके आधार पर उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ये जो स्पेशल पावर्स हैं ये खासतौर से इंजॉय करी जाती हैं जब भी प्रोटेक्शन होता है लैंड राइट्स का, जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं यानी स्वदेशी लोग हैं उनका, उनके कल्चर का, या फिर उनके जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके ऊपर। इंडियंस जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं है स्टेट्स के, वो वहाँ पर लैंड या हाउस नहीं खरीद सकते। इसी तरह से स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं कुछ और स्टेट्स के हैं जो इंडिया के हैं उसके अंदर, जैसे कम कुछ यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन के जिनके पास बहुत ही कम पावर है। ये वो इलाके हैं जो या तो बहुत छोटे हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट बन पाए, पर उनको मर्ज भी नहीं किया जा सकता किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ। अब इसमें एरियाज आते हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप या जो कैपिटल सिटी है दिल्ली की, ये सब कहलाते हैं फिर यूनियन टेरिटरी। ये जो टेरिटरीज हैं इनकी अपनी खुद की पावर्स नहीं है, स्टेट की जैसे होती है इनकी खुद की पावर नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल पावर्स होती है इन एरियाज को चलाने के लिए। अब ये जो शेयरिंग है पावर की यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये बिल्कुल बेसिक मानी जाती है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसके लिए। इतना आसान नहीं है चेंजेस करना इस पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट के अंदर। पार्लियामेंट अपने आप में जो है कोई चेंज नहीं कर सकता इस अरेंजमेंट में। अगर कोई बाई चांस चेंज करना है तो सबसे पहले उसे दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के उससे पास होना होगा, जिसमें एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फिर इसको जो है रेटिफाई किया जाता है लेजिस्लेटर्स के साथ, और ये जो है एटलीस्ट 1/2 होने चाहिए टोटल स्टेट्स के। जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान बनते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं उनको लागू करने, ये सही से लागू हो रहे हैं या नहीं उसको देखने के लिए। अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट होता है डिविजन ऑफ पावर्स को लेकर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकते हैं। जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास पावर है कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं टैक्सेस लगाकर, ताकि जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चला सकें या जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उनको वो पूरा कर सकें। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ये करते हैं अगले वीडियो में।